आजकल लड़कियों पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। देखिए ये कैसे अपने चेहरे से मेकअप उतार रही है, लग रहा है जैसे केक हो। ब्यूटी पार्लर को महिला गैरेज कहा जाता है क्योंकि पुरानी गाड़ी जाती है और नई बनकर आती है, तो आप देख सकते हैं। ब्यूटी पार्लर करने के लिए पूरा फुल ट्रेनिंग मिलता है। आपको बताने वाले स्किन केयर, जब आप मेकअप करते हो और जब आप नॉर्मल स्किन केयर रखते हो। जब आप नॉर्मल स्किन केयर करते हो तो आपको करना क्या होता है, क्लेंजिंग, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, एसपीएफ। लेकिन जब आप मेकअप करते हैं तब क्लेंजिंग, टोनर, मॉइस्चराइजर, एसपीएफ, कभी-कभी सीरम भी यूज करेंगे। जब आप मेकअप करते हैं तो आपको उसके नीचे, मेकअप के नीचे कोई सेरम यूज़ करने की, अंडर आई क्रीम यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग स्किन केयर बेयर स्किन पे करते हैं, साफ स्किन पे करते हैं। नीचे आपने सेरम लगा दिया, हाइलुरोनिक ऊपर लगा दिया आपने, क्या फाउंडेशन कुछ तो फेस बात का। स्किन केयर हमेशा कैसे किया जाएगा, साफ स्किन पे। सो और कभी कभी एसपीएफ का मतलब क्या है कि एसपीएफ कभी कभी आपके मेकअप के प्रोडक्ट्स में होता है, तो अगर आपके फाउंडेशन में ऑलरेडी एसपीएफ है तो आपको नीचे एक एसपीएफ का लेयर देने का जरूरत नहीं। समझ में आ गया, डबल लेयर नहीं देनी है। आप पूरा प्रोसेस फॉलो करो, आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ग्रे नहीं पड़ेगा, काला नहीं पड़ेगा। और इस वीडियो को लाइक